गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम माय यूट्यूब। कैसे हैं आप सब? आई उम्मीद से आप सब अच्छे होंगे। तो आज पहला दिन है केदारनाथ का मेरे का। अभी जाना है, अभी सुबह 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 का 4 बजे अभी टाइम का। अभी निकलना है हम लोग को ट्रैकिंग के लिए। अभी फिलहाल तो हम लोग होटल में हैं, अभी निकलते हैं चेकआउट करके, फिर आपसे मिलते हैं ट्रैकिंग में। हम लोग निकल चुके हैं सोनपैक के लिए। हम लोग सीतापुर आपको पता है वीडियो देखे थे। अभी सोनपैक में जाएंगे, वहाँ से टैक्सी लेंगे, टैक्सी लेके निकलेंगे, मिलते हैं टैक्सी स्टैंड में। हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। गौरीकुंड से हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, स्टार्ट हो चुका है, बस जा रहे हैं। अब आपको भी नज़ारा दिखाएंगे। गौरीकुंड से हम लोग आ चुके हैं काफ़ी दूर, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, और हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। ये मेरा दोस्त चल रहा है आगे। बस एक वाटरफॉल से यहाँ पर मिला है बढ़िया सर। ये देखिए पैदल चलते चलते यहाँ पे एक वाटरफॉल मिल गया। हम लोग बहुत ही ऊपर आ चुके हैं। अभी सुबह होने जा रहा है और अब हो रही है। यहाँ का नज़ारा देखो गाइस, बहुत ही शानदार है। तो गाइस ये देखिए पर्वत, यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, पर मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। सुबह अभी 6 बजे, बहुत ही प्यारा, बहुत हाय गाइस, बहुत प्यारा जगह लग रहा है। और अभी फिलहाल चलते ही जा रहे हैं, देखते हैं। अभी तो शुरुआत हुआ है, कब तक पहुंचेंगे ये नहीं पता। मेरे हिसाब से कमेंट सेक्शन में आप सब बताना कि कितने बजे पहुंचेंगे हम लोग। देखते हैं, मेरे हिसाब से शाम को 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही मज़ा आ रहा है और काफ़ी समय तक चल ही रहा है। शाम सुबह के 4 बजे से चढ़ाई करते हुए अब जाके कुछ दूरी पहुँचे, शायद 4 से 5 किलोमीटर चल दिया है। इससे और आगे जाना है, पीछे काफ़ी लोग आ रहे हैं और हम भी चल रहे हैं फटाफट। वाटरफॉल्स है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा लगा है। पीछे बर्फ़ से चादर, बर्फ़ का चादर से पूरा ढक चुका है। और इधर वाटरफॉल से नीचे बहुत गाइस, ये देखिए बहुत ही प्यारा रिवर है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चादर से पूरा बर्फ़ से ढक चुका है, हम लोग को वहीं पहुँचना है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा है यहाँ पे गाइस। चलते चलते फिर से फ़ोटो वगैरह ले लिया हम लोगों ने, फिर से आगे जा रहे थे। यहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिल गया है, दिखाते हैं आपको प्यारा जगह है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आप लोग को। बहुत ही सुंदर है ये, क्या बात है, इतना प्यारा दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ही शानदार होता है, शानदार रिवर है वाटरफॉल। और काफ़ी ऊपर से गिर भी रहा है और नीचे। अभी तक हम लोग 3 किलोमीटर ही चल पाए हैं अभी तक फिलहाल। अभी बहुत आगे है और जाते चलते यहाँ पे एक वाटरफॉल दिख गया हम लोग को। बस देखते जा रहे हैं नज़ारा और मज़ा है। हम लोग 4 किलोमीटर चल चुके हैं और सुबह से कुछ खाया नहीं था, अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा था, तो सोचा लंच खा लेते हैं। तो परोठा मंगाया है और मैगी आगे बढ़ा। खाने के बाद आप निकल चुके हैं, फिर से चढ़ाई की यात्रा स्टार्ट कर दिया है। अभी चढ़ाई कर रहे हैं, मेरा दोस्त पीछे ले गया है। अभी हम लोग खाने के बाद थोड़ा एनर्जी जनरेट हो गया, अब निकलते हैं बढ़िया से। नज़ारा जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना प्यारा नज़ारा देखने के लिए मेरे को मिल रहा है। और यहाँ के सामने वाटरफॉल्स है, इधर भी है और नीचे खाई है। मतलब यहाँ से कोई गिर जाएगा ना तो कसम से करो, आनंद आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है ट्रैकिंग करके।
मैं तो कहता हूँ, आप सजेस्ट करूँगा कि आप सब भी ट्रैकिंग ही करके आएँ। 5 किलोमीटर और आगे आ चुका हूँ और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एक नज़ारा है। यहाँ पर बर्फ से पूरा ढक चुका है और आगे चलते हैं। वाटरफॉल्स आप देखा है और आगे चलते हैं और पीछे चलते हैं। काफ़ी ऊपर से आया वाटरफॉल्स और बहुत ही जगह मतलब अभी 5 किलोमीटर चलने के बाद जो वाटरफॉल्स लोगों को मिला है जो और से एक बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, पेपर नहीं हो रहा है। और गाइस, हम लोग साइट पहुंचने वाले हैं, कुछ किलोमीटर और रह गया है साइट, 8-9 किलोमीटर और। और ये देखिए क्या प्यारा जगह है, यहाँ से बहुत ही प्यारा जगह दिख रहा है, बहुत प्यारा। और हम लोग चले ही जा रहे हैं मतलब बिना रुके, बस 5 मिनट रुक रहे हैं, उसके बाद चल रहे हैं। क्या ही बताएं, बात जगह यहाँ से बहुत ही प्यारा जगह दिख रहा है, क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा शायद। यहाँ पे आया था वाटरफॉल्स ऊपर, जैसे बहुत प्यारा वाटरफॉल्स है यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पर हर एक जगह वाटरफॉल्स ही देखने को मिल जाता है, पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं है, बहुत प्यारा है। घर से गाइस मैं एक खूबसूरत और नज़ारा ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा नदी है, बहुत ही सारा प्यारा सा। बस ऊपर जितना जा रहा हूँ उतना ग्यारह प्यारे जगह क्या उसके देखिए, जो नदी है शायद मुझे नदी के मामले का पानी मिलता है, और नज़ारा देखिए गाइस बहुत ही प्यारा है। ओए डंडा लिया कि नहीं तूने? हाँ डंडा डंडा चलो चना खाने चना चना क्या खाने यार, पीरियड कौन कति को होला?
तो आगे निकल चुके हम लोग, यहाँ से फोटो वगैरह शूट कर लिया और ये आगे निकलते हैं। यहाँ मेरे को घर पे तो सर्दी वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ जैसे आए मेरे को सर्दी पकड़ लिया, थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है मेरा। चलते पहले सही सलामत केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। फाइनली गाइस अभी बज रहा है 9:40 और अभी तक काफ़ी दूर आ चुके हैं और यहाँ से हाँ ठीक क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग को और चलना है, पता नहीं कौन से चलना, आप लोग बताइएगा कितने बजे आप लोग कहीं केदारनाथ ट्रैवल कर चुके हैं, आप लोग पता कितने बजे पहुँचे थे। खैर मैं जा रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता सकता, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। और नज़ारा दिखाता हूँ उसके ऊपर, बर्फ बर्फ ढका हुआ है। ये देखिए गाइस बहुत ही प्यारा, वहाँ पर पूरा धूप आ चुका है और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है वहाँ से, बहुत अच्छा। देख रहे बहुत प्यारा गाइस, चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गया। अभी यहाँ से केदारनाथ करीबन 5.5 किलोमीटर बच गया है और अभी टाइम बच रहे हैं 10:18, तो अभी कुछ भूख भी लग रहा था तो थोड़ा मैंने ले लिया चाय और उसके साथ बिस्किट, और लंच के सोच रहा हूँ केदारनाथ में जाके करूँ। यहाँ पे फिलहाल भी बड़ा मस्त हुआ है, और आप लोग मैं बता दूँ आप सबको, आप इस सीज़न में विंटर वाला सीज़न पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा मौसम है, आपको ज़्यादा प्राइस भी पे नहीं करना पड़ेगा होटल वगैरह में, और आपको ज़्यादा वो भी नहीं है, बहुत सस्ता मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। विंटर वाला मौसम में इतना अच्छा होता है ना, हल्के हल्के ठंड और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सो गाइस हम लोगों ने चाय पी लिया और आप निकल रहे हैं, ये देखिए केदारनाथ की तरफ, बहुत ही प्यारा मौसम है और यहाँ से सारे दिन मस्त है। और ये ढलान सा मिल गया थोड़ा, और यहाँ है वाटरफॉल वो भी ब्रेक, और बर्फ़ से पूरा ढक चुका है पहाड़, और बर्फ हो चुका है देखें, और ठंडा भी मतलब ज़्यादा नहीं है, अभी धूप निकल चुका है, हल्की हल्की ठंडा है। नीचे का नज़ारा देखो यार, स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। और ये रहा वाटरफॉल्स, ओए ऐसा लग रहा है, अच्छा बहुत अच्छा। और चलेगा, चलेंगे हाँ, अभी तो फिलहाल 5 किलोमीटर चला, ये थकता ही नहीं है पता नहीं। गाइस हम लोग 1.5 किलोमीटर और है यहाँ से, अभी हम लोग को और जाना है यहाँ से 1.5 किलोमीटर और पैदल चलना है। और इधर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, अभी दिखाते हैं और प्यारा प्यारा नज़ारा। अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर और चलूँ तब जाके केदारनाथ धाम मंदिर पहुँचेंगे। अभी फिलहाल ये देखिए पूरा बर्फ से गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं, और यहाँ का मौसम थोड़ा चेंजेज हो गया क्या है ना, तब मैंने पूरा यहाँ पे सफ़ेद बर्फ़ चादर दिख रहा था, बर्फ़ का सारे बादल गिर गया, अब इतना बिल्कुल बंद हो गया है और सांस लेने में कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बताऊँ, पर मज़ा बहुत आ रहा है। हम लोग को सुबह का 4 बजे मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था सीतापुर से, और मैं पहुँचा हूँ अभी 12:00। ये व्यू देखिए, ये सारे बादल ढक गया, मैं थोड़ा नीचे था तो ये सारे बादल नहीं था अभी,
और अभी इसी बीच में पूरा बादल नीचे आ गया है, मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे, अभी शायद बारिश हो सकता है, पता नहीं, अगर हो गया तो बारिश हो गया। अभी कुछ ही दूर है, महादेव का दर्शन हो जाएगा, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, और मैं भी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। अब मैं यार अभी गर्मी लग रहा है, शाम को शायद ठंड लगेगी, हालात वैसे ही ख़राब हो चुका है मेरा। सारे तरफ कोहरा बरसा हुआ है और महादेव और ज़्यादा ठंड है और आरती का पाठ पड़ेगा, अभी हम लोग आरती कर रहे हैं तो फटाफट चलते हैं और घंटी बजाते हैं। लगभग घंटी बजाते हैं महादेव। 3 बजे तो फाइनली गाइस हम लोग ने दर्शन कर लिया भोले बाबा का, अंदर फोन अलाउ नहीं था तो मैंने आप लोग को भी नहीं दिखाया। चलिए आरती दिखा देता हूँ आप सबको मैं एक झलक, और गाइस उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मैं अभी आ चुका हूँ अपने टेंट पे, बहुत शानदार, बाहर से पूरा मौसम बहुत ठंडा है इसलिए मैं बाहर जा नहीं रहा हूँ, अभी बस खाना खाने के लिए जाऊँगा और मिलते हैं मॉर्निंग। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और हमारे तरफ से हर हर महादेव आप सबको, और मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड।